उन्हें किडनी डिजीज़। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद हीलिंग हो भी जाती है, उसके बाद हीलिंग के बाद स्कारिंग हो जाती है। उन सब के बाद क्या होता है कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब नेफ्रॉन का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो नेफ्रॉन लॉस किसी भी टाइप की डिजीज़, मतलब कोई भी डिजीज़ थी पहले, लेकिन वो क्रोनिक है, ठीक है, तो हम उसको इसके अंडर ले आते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। इवेंचुअली सब में मिलाकर होता क्या है कि ग्लोमेरुलाई जो हैं वो स्क्लेरोस्ट होते हैं, ट्यूब्यूल स्क्लेरोस्ट होते हैं, इंटरस्टीशियम वेसल सब सब में स्क्लेरोसिस हो जाती है। कितनी बार तो वो क्या हुआ है, वो ठीक हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसकी वो हार्डनिंग हुई है, उसके बाद स्कारिंग हुई है क्रॉनिक में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा है ना, तो स्क्लेरोसिस हो जाती है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव किडनी डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो नेफ्रॉन है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। नेफ्रॉन जितने डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगी उसके बाद, अब किडनी को कुछ ना कुछ तो उसके रिस्पॉन्स में करना ही है, तो वो अडेप्टेशन करती है। अडेप्टेशन में वो क्या करती है स्पेसिफिकली, वो करती है ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन मतलब कि सपोज 100 है, 100 में से जो 50 हैं वो अब काम नहीं कर रहे, उनकी उन नेफ्रॉन्स की हो गई है डिस्ट्रक्शन। अब जो रिमेनिंग 50 बचेंगे उनमें क्या, उनमें जो फंक्शन हो रहा था वो फिल्ट्रेशन का, वो हाइपर कर दिया हमने, उसको डबल कर दिया। हाइपर मतलब डबल तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जो वो नॉर्मली कर रहा था उससे ज़्यादा कर रहा है, दैट इज़ हाइपर फिल्ट्रेशन कर रहा है, ताकि उस चीज़ का लॉस जो है वो किडनी जो है वो कंपेंसेट कर सके। तो दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन, जिसमें वो ट्राई करता है कंपनसेट करने का। क्यों? क्योंकि GFR जो है वो कम हो चुकी है। किसकी वजह से? क्योंकि नेफ्रॉन का डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। लेकिन अब पूरी तरीके से तो हो नहीं सकता, चाहे वो कंपनसेट करने की कोशिश करे लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकता। तो उसके रिजल्ट में बिकॉज ऑफ द नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि यूरिया और क्रिएटिनिन जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसका लेवल जो है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारी बॉडी है उसमें ट्यूब्यूल्स में हमने बोला स्क्लेरोसिस हुआ, तो उसमें क्या होता है कि जो रीअब्सॉर्प्शन वाली कैपेसिटी है हमारी ट्यूब्यूल्स की, वो भी कम हो जाएगी। स्पेसिफिकली किसकी होती है? सोडियम की होती है। इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, मतलब हमारी बॉडी में, ब्लड में जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। और हमारी जो किडनी है वो क्या करती है, मतलब जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन किसकी होती है? मेन हम बात करेंगे पोटाशियम की। पोटाशियम की अब सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ज़्यादा पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ हाइपरकैलीमिया, जिसमें क्या होगा कि सिक्रीशन जो है वो पोटाशियम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोटाशियम जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाइपरकैलीमिया। और हाइपरकैलीमिया डेंजरस होता है, अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो किडनी है वो क्या बनाती है, वो बनाती है एक प्रोटीन दैट इज़ नोन एज एरिथ्रोपोएटिन। ये हमें पता है RBC की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा तो RBC भी कम बनेंगे, ये कम है तो फिर ये भी कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। देन इज हाइपोकैल्सीमिया। हमने पढ़ा है कि जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, वो वाइटामिन डी की कौन सी फॉर्म बनाती है, एक्टिवेटेड फॉर्म। दैट ये अब विटामिन डी जो है वो एक लिवर में होती है और एक किडनी में होती है एक्टिवेट, तो विटामिन इसकी हाइड्रोक्सीलेशन होती है बेसिकली विटामिन डी की किधर, किडनी में, लेकिन वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन। तो फिर क्या होगा, विटामिन डी का एक्टिवेटेड विटामिन डी का लेवल कम है, और विटामिन डी करता क्या है, वो करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। देन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि जो हमारी किडनी है वो सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, अलग अलग जगह से नहीं कॉन्ट्रैक्टेड, पूरी की पूरी श्रिंक दिखाई देगी हमें, ग्रैनुलर दिखाई देगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हैं हमारे इसमें, क्योंकि हमने बोला ना वेसल्स भी अफेक्टेड हैं, तो ग्रैनुलर उसमें वो हेमरेज वगैरह जो बनते हैं उसकी वजह से ग्रैनुलर। ग्लोमेरुलर ऑब्लिटरेशन होगी, हमने बोला स्क्लेरोसिस और ग्लोमेरुलर की, तो वही ऑब्लिटरेशन, मतलब कि वो स्क्लेरोसिस होना मतलब हार्डनिंग करके उसका ल्यूमेन नैरो हो जाना, तो वही ऑब्लिटरेशन होना। और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, उसकी उन लिम्फोसाइट की इन्फिल्ट्रेट्स आना, क्योंकि जब बार बार डैमेज हो रही है तो लिम्फोसाइट्स आएंगे, उसके इन्फिल्ट्रेट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने ये बोला। नेक्स्ट जो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, ऑफन ये एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब हमें ज़्यादातर नहीं, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक अर्ली, मतलब लेट में हमें पता लग जाता है कि ये दिक्कत है। प्रोटीन यूरिया एजोटीमिया, जो ट्रीटमेंट है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें, वो ना करें तो क्या होगा, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, पुअर प्रोग्नोसिस की वजह से क्या होगा, यूरेमिया हो जाएगा। हमने देखा कि ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं किडनी की वजह से वो यूरेमिया की वजह से होती है, यूरेमिया हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डेथ कर देंगे।
सो दिस वॉज अबाउट क्रोनिक किडनी डिजीज़. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.